ஹலோ, குட் மார்னிங் இந்தியா. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. Aaj hi subscribe karein Wi-Fi study channel ko. A very good evening to all of you. Welcome to Wi-Fi study, changing the way of learning. Now Wi-Fi is part of an academy. So kaise hai aap log? I hope sabne enjoy kiya hoga. Do din chutti thi aapki, theek hai? Chaliye ji, start karein aapka session. To aaj maine try kiya hai ki aapka jo digital chal raha hai, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें भूल चुके होंगे. तो मैंने सोचा कि आज आपका एक स्पेशल सेशन लेके आता हूँ, मिक्स क्वेश्चंस का रैपिड फायर राउंड. यानी कि आपको हर क्वेश्चन में 40 सेकंड मिलेंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और ये चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं. यानी जो आपने पढ़ाई की है अभी तक, आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है. ठीक है, होता क्या है कि सिलेबस खत्म करने के चक्कर में आप जो जितना आपने पढ़ा है उसको आप कवर कर लो अच्छे से, वो ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा क्या रहेगा, आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा, स्पेशल सेशन रहेगा जिसको हम देखेंगे प्रॉपरली अच्छे से ढंग से. ठीक है, और फिर जो आपका डिजिटल चल रहा है वो आपका एज यूजुअल चलेगा ही. जो आपका नेक्स्ट दिन जब क्लास होगी तो आपकी उसमें एज यूजुअल चलेगा ही, लेकिन अभी आज का जो है वो क्या रहेगा, आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके मिक्स क्वेश्चन को देखते हुए. हर एक क्वेश्चन में आपको 40 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके आरआरबी में 48 सेकंड मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन के लिए. कितने मिलने वाले हैं? 48 सेकंड. ठीक है, तो हम टारगेट ले चल रहे हैं कि आपको 48 ना देकर आपको मैं 40 सेकंड दूंगा. ओके, चलिए जी, तो स्टार्ट करें सेशन अपना. तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर. देखिए क्या होगा इससे, आपको रिवीजन भी होगा कि आपने जो जो पढ़ा है वो चीजें आपको याद है कि नहीं याद है. ठीक, चलिए देखते हैं क्या बोला उन्होंने. बोला ये है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. तो पहला दिया उन्होंने कि बीजेटी एंड मॉसफेट बोथ आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. सेकंड दिया हुआ है बीजेटी एंड मॉसफेट बोथ आर करंट कंट्रोल डिवाइस. फिर थर्ड दिया हुआ है मॉसफेट आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. फिर डी आपका दिया हुआ है मॉसफेट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, वेयर इज बीजेटी इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. तो आपको सबको पता है कि बीजेटी आपका क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस. ठीक है, आपका बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है. आपका मॉसफेट क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. मॉसफेट क्या होता है, आपका बीजीएस वोल्टेज कंट्रोल, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज जो आप सप्लाई देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका करंट कंट्रोल होता है ड्रेन टू सोर्स. ठीक है, मॉसफेट में ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होता है या सोर्स टू ड्रेन फ्लो होता है, डिपेंड करता है आपका एन चैनल है कि पी चैनल है. ठीक है, तो क्या होता है, आपका वोल्टेज के कारण वहां पे आप करंट को कंट्रोल करते हो, इसलिए आप उसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. किसको? मॉसफेट को. इवन आप एफईटी को भी बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ठीक है, आपका बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस. कैसे होता है आपका एफईटी, सॉरी बीजेटी कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि आपका बेस करंट जो होता है, बेस करंट वो क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है. तो आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर गया कौन सी, किसकी वजह से गया है आपका, सी. ठीक है, क्योंकि बीजेटी आपका क्या होगा, मॉसफेट है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, आपका बीजेटी क्या होगा, करंट कंट्रोल डिवाइस. डन, कोई दिक्कत यहां तक. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है कि हाउ कैन द चैनल विथ इन अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बी कंट्रोल्ड. तो आपको पता है कि एफईटी दो टाइप का होता है, एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, का होता है मॉसफेट. मॉसफेट को आप कई सारे नाम से जानते हैं, आईजीएफईटी बोल सकते हैं आप, या सिलिकॉन कंट्रोल, सिलिकॉन कंट्रोल नहीं, आपका SiO2 लेयर आपकी होती है उसमें. ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, मॉसफेट को IGFET बोल सकते हैं आप, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो उन्होंने किसका बोला है, इन्होंने बोला है JFET का. सॉरी, क्या बोला उन्होंने, JFET का. JFET में कैसे आप कंट्रोल करते हो. ठीक है, तो आपको पता है क्या दिया उन्होंने कि चैनल की चौड़ाई. तो आपको पता है JFET जो होता है आपका, अब इन्होंने ये नहीं बोला कि एन चैनल की पी चैनल. अगर आपका एन चैनल होगा, ठीक है, अगर आपका एन चैनल होगा क्या होगा, एन चैनल आपका, ये आपका एन टाइप मटेरियल होता है, ये आपका P है, ये आपका P है, ये आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है, ये आपका गेट है. और आपको ये पता है कि चाहे वो N चैनल हो चाहे वो P चैनल हो, आपका गेट टू सोर्स हमेशा रिवर्स बायस ही होता है.
मैंने आपको क्लास में बताया है, जिसको दिक्कत है, जिसको नहीं पता है वो मेरी क्लास जाके देख सकता है जेफेट की, मैंने वहाँ प्रॉपर आपको समझाया है। तो हमेशा इसको क्या रखते हैं आप, इसको हमेशा रखते हैं रिवर्स बायस, हमेशा जब इसको आप रिवर्स बायस रखेंगे तो आपका ये जो और ये जो आपका दो पी टाइप हैं ये वर्चुअली, यानी कि अगर आप बोलें तो ये पीछे से आपका सॉर्टेड होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या होंगे, बैक टू बैक, जो आपके दो क्या हैं, बैक्ड बायस पी एन जंक्शन, आपका वाला ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो जिसको दिक्कत हो वो ये लेक्चर देख सकता है, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये आपका वर्किंग कैसे होता है, मैंने प्रॉपर समझाया है, कैटिस्टिक मैंने आपको बताई है कैसे होता है आपका जेएफएड वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो क्या होगा इसमें, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर बजेटिक क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ करेंट सोर्स, आगे क्या दिया है डजन मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है आगे क्या दिया हुआ है। अगर उन्होंने पूछ लिया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ करेंट सोर्स क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि करेंट सोर्स अगर रहेगा, करेंट सोर्स अगर है, या करेंट सोर्स है, करंट सोर्स में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ लगा होता है, वो आपके पैरेलल में लगा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो आर होता है स्मॉल आर, ये आपका पैरेलल में लगा होता है। सीरीज में क्यों नहीं लगा होता है, क्योंकि सीरीज में अगर लगेगा तो आपका जो करंट होगा सीरीज में सेम होता है, और आपका आइडियल करंट सोर्स नहीं, ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, तो ऑब्वियस बात है कि आफ्टर सम टाइम उसमें जो, अगर मान लीजिए 5 एम्पियर की कोई चीज़ आप लेते हो तो आफ्टर सम टाइम वो 4 एम्पियर होगा, ये आपको पता है। अब 4 एम्पियर कैसे होगा, जब तक उसके आप पैरेलल में ना लगाओ कोई चीज़, बात समझ में आ गई। तो पैरेलल में आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा किसका, करंट सोर्स का। सीरीज में अगर आपने लगा दिया, सपोज सीरीज में अगर आपने लगा दिया तो क्या होता है, आपका करंट की वैल्यू जो होगी वो कम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो ये आप नहीं यूज करते हैं, आप करते हैं ये वाला यूज करंट सोर्स के लिए, ठीक है। अब फर्दर हम बात करेंगे, अगर देखें तो क्या होगा, अब करंट सोर्स बोला है तो भाई आपको चल गया मालूम कि करंट सोर्स में रेजिस्टेंस किस में होता है, पैरेलल में होता है। वैसे ही आपका वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस किस में होता है, सीरीज में होता है, ठीक है। ये मोस्टली सबको पता होगा, इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर वो करंट सोर्स है तो आइडियली, अगर मैं आपसे पूछूं आइडियली आर इन की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी या इनफाइनाइट होगी, तो भैया आप बोलोगे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लोड लगा दिया कोई, सपोज मैंने यहाँ पर कोई लोड लगा दिया, आर्यन लोड लगा दिया मैंने अगर, तो ये जो करंट आप दे रहे हो 5 एम्पियर की, आप चाहोगे कि पूरी करंट यहाँ पे आ जाए, क्योंकि भाई आपका यूज क्या है, मेन यूज आपका यही है ना कि ये करंट पूरी कहाँ नहीं चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए लोड पे। अगर आपने आर्यन की वैल्यू जीरो कर दी तो ये शॉर्ट हो जाएगा, अगर ये शॉर्ट हुआ तो पूरी करंट आपकी यहाँ से आ जाएगी, पूरी करंट आपकी इधर से निकल जाएगी, लोड पे करंट पहुँचेगी ही नहीं, तो आपके करंट सोर्स कोई, आपके करंट सोर्स कोई मतलब नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। तो क्या करेंगे आप कि जब ये ओपन हो जाएगा, मीन्स जब ये ओपन होगा तो आपकी जो करंट आने वाली है, अब ये पूरी की पूरी करंट कहाँ होगी, यहाँ ना जाके ये पूरी पूरी आपकी लोड में आ जाएगी, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, ये आइडियल केस है। तो क्या बोलेंगे आपकी इनफाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका इनफाइनाइट, तो क्या होगा आपका वेरी हाई, जिसको आप बोलते हैं वेरी हाई, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए क्या होगा आंसर इसका, एकदम बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो इनको आराम से क्रैक कर सकते हो, जेई में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप, प्लस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उनको बात करेंगे हम, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई पी टाइप है तो पॉजिटिवली चार्ज आपका नहीं होता, मैंने आपको क्लास में बताया है, क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों होता है मैंने इसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं क्लास में, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या होगा इसका आंसर आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्या होगा बताइए, जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इन अनबायस्ड पी एन जंक्शन, अगर आपका कोई पी एन जंक्शन है वो अनबायस्ड है, मीन्स आपने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, उसको आप क्या बोलते हैं अनबायस्ड, अगर आपने सोर्स लगा दिया तो क्या बोलते हैं बायस्ड। जीरो करंट इम्प्लाइज दैट, तो आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही, जब पी एन जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, जब आपका ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट
इक्वल टू जब डिफ्यूजन करंट हो जाता है तो आपका क्या होता है, आपका डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। ऑब्वियस बात है, पहले आपका डिफ्यूजन करंट स्टार्ट होता है बहना। जब आप पीएन जंक्शन फॉर्म करते हो तो पहले आपका डिफ्यूजन फ्लो होना स्टार्ट होता है। उस डिफ्यूजन के कारण आपका डिप्लीशन लेयर के पास क्या होता है, आपके जो इमोबाइल आयंस होते हैं उस लेयर के पास स्टार्ट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू कर देते हैं जनरेट करना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं जनरेट करना तो क्या करते हैं वो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट हो जाती है, ड्रिफ्ट करंट बनना स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है डिफ्यूजन करंट क्या होता है, नेचुरल फिनोमिनन है, और आपका ड्रिफ्ट करंट क्या होता है वो एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण होता है। ठीक है, बात समझ आई। तो आपका ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों बराबर रहेंगे तो आप क्या बोलोगे कि वो आपका आइडियल केस में है, यानी शून्य जीरो कंडीशन में है। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है आपका, पहला दिया हुआ है पोटेंशियल बैरियर हैज बीन डिसअपीयर, बिल्कुल नहीं, आपका पोटेंशियल बैरियर तो बनेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर ऑफ होल डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग फ्रॉम द पी साइड एन टू पी साइड, ये हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं, नो कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। आपने लास्ट में देखा टोटल करंट क्रॉसिंग द जंक्शन फ्रॉम पी साइड टू इक्वल टू द टोटल करंट क्रॉसिंग जंक्शन फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड, आपका ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। आप बी बोल सकते थे, अगर ये डी वाला ऑप्शन ना दिया होता तो आप बी बोल सकते थे, लेकिन आपका डी नहीं दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है इसलिए आपको क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा डी। कोई दिक्कत है बच्चा, तो आपका आंसर जाएगा किसके साथ, डी के साथ। ठीक है, मैंने इसको समझाया अच्छे से, आप एक बार क्लास देख लेना, प्रीवियस जो क्लासेस मैंने कर रखी है डी सी की, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्योंकि आपका ये रैपिड फायर ऑर्डर, तो हम सोचते हैं फटाफट इसमें क्वेश्चन फटाफट करें। ठीक है, तो आपको समझ आए कि हाँ आपको कितने क्वेश्चन याद हैं, कितने आपको याद नहीं है। आपका नेक्स्ट दिया हुआ है एफईटी जो आपका है वो क्या है, पैरेलल में ज्वाइन है। ठीक है, आपका जीएम है और आपका आरडी है, तो आपको पता है जीएम क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस होता है। जीएम इक्वल टू क्या होता है, तो जीएम जानते हैं आप क्या होता है, आपका आईडी अपॉन में वीजीएस। अगर आप देखो ध्यान से तो कंडक्टेंस क्या होता है, चालकता, जी जो होता है वो क्या होता है, आई अपॉन वी होता है, ये तो आप सबको पता होगा। जी इक्वल टू क्या होता है, आई बाई वी होता है। अब ये ट्रांस कंडक्टेंस है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, तो आपका आईडी अपॉन वीजीएस हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चा, तो जो जी है वही जीए है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये ट्रांस कंडक्टेंस है, ये नॉर्मल कंडक्टेंस होता है, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, गॉट इट। फिर आपका आरडी है, तो आपको आर पता है, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, क्या होता है आपका, वी अपॉन आई होता है। यहाँ पे आरडी बोल रहा है ड्रेन, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा आपका, यहाँ पे वीडीएस अपॉन में आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, आपको पता है पैरेलल में अगर हुआ, पैरेलल में अगर आपका जी है तो क्या होता है, जी वन प्लस जी टू होता है ना, प्लस अगर आपका आर है तो क्या होगा, आर वन इंटू आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू होता है। ठीक है, और दोनों ही आइडेंटिकल हैं, अगर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि दोनों ही आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो गया, ये भी आपका इक्विवेलेंट हो गया, और दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो G1 इक्वल टू G2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, G मिल जाएगा, 2GM मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, RD by 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2GM and RD by 2, आपका आंसर C। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको पता अगर है तो आप आराम से क्लिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि FET आ गया तो आपका R कुछ और जाएगा, G कुछ और जाएगा, तो ऐसे में आप आराम से बाईपास करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें परेशान मत होइए कि हाँ इसमें कुछ अलग हुआ क्या, अलग नहीं होगा, सेम रहेगा चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़े, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चलिए क्या होगा आपका, देखिए आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन बीजेटी करंट, मॉसफेट में इंक्रीज क्यों नहीं होगा, डिक्रीज होगा क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि मॉसफेट जो होता है वो मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, मीन्स वहाँ पे मेजोरिटी यानी कि मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है ये। ठीक है, इसमें मेजोरिटी कारण करंट फ्लो होती है, और आपको पता है मेजोरिटी कैरियर डिवाइस जो होती है वो क्या होता है, अब टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका वो रेजिस्टेंस घटता है, समझ में आया। अब बीजेटी में क्या होता है, आपका आईसी जो होता है वो आईसी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आईबी अपॉन में आई प्लस आईसीओ होता है ना आपका, आईसीओ। ठीक है, अब ये जो ICO है ये आपका माइनॉरिटी करंट है, क्या आपका ये माइनॉरिटी करंट है, माइनॉरिटी करंट क्या होती है आपको मैंने बताया है लेक्चर्स में कि माइनॉरिटी करंट टेम्परेचर पर बहुत तेज़ी से डिपेंड करता है, बहुत तेज़ी से। मेजॉरिटी करंट आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, माइनॉरिटी करंट अपने टेम्परेचर पर बहुत तेज डिपेंड करती है। तो अब भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है ICO बढ़ेगा, अगर ICO बढ़ेगा तो आपका IC बढ़ेगा, तो आपका IC बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, इंक्रीज इन बीजेटी करंट होगा। ठीक है, आगे चले,
नेक्स्ट आपका है, चलिए एक मिनट चाहिए। आपका क्वेश्चन किससे आ गया? आपका क्वेश्चन आ गया है किससे? फीडबैक एम्पलीफायर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीच बीच में कभी कभी मिक्स करके, जैसे जैसे सिलेबस आप खत्म होता जाएगा, बढ़ता जाएगा आगे आगे, वैसे वैसे मैं आपको एक सेशन बीच में लाऊंगा मिक्स वाले, ठीक है, जिसमें आपका सब कुछ मिक्स रहे। क्या होगा इसमें? आपका ट्रांस कंडक्टेंस है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर होता है। तो क्या होगा आपका ट्रांस कंडक्टेंस की बात चल रही है, फिर से वही बात, जी एम इक्वल टू क्या होगा आपका आई आई नॉट अपॉन में वी इन। जी एम ना बोले कि आप जी बोलेंगे, सी भाई ट्रांस कंडक्टेंस होता है, क्या होता है आई नॉट अपॉन में वी इन। आपको ये पता है कि आउटपुट करंट है, यहाँ पे करंट क्या है आउटपुट में है, और करंट का जो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है वो होता है इनफाइनाइट। अगर आप देखें तो करंट एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट, और वी इन जो होता है इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज एम्पलीफायर का वो क्या होता है इनफाइनाइट। दोनों मिला क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना था बच्चा। चलिए जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सॉरी क्या हुआ आपका, समझ में आइए? करंट एम्पलीफायर में आपका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर में आपका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, दोनों इनफाइनाइट हो गया, क्या होगा आपका इनफाइनाइट हो गया। अगर बात करें यहाँ पे तो किसका है, ये आपका वोल्टेज एम्पलीफायर है, अगर ये बात करोगे आप तो क्या है ये ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है, ट्रांस रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको आप आर एम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किसका है आपका करंट एम्पलीफायर है, तो आपको सब याद होना चाहिए प्रॉपरली, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इन्होंने क्या बोला है आइडियल करंट एम्पलीफायर है, मैंने आपको जस्ट बताया अभी, तो आइडियल करंट एम्पलीफायर क्या होता है आपका इनपुट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा जीरो, और आपका आउटपुट क्या होगा इनफाइनाइट, तो आपका आंसर क्या जाएगा बी के साथ, ठीक है, आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अभी आपने जस्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले किया आपने, तो क्या होगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका फीडबैक एम्पलीफायर टॉपिक है, उसका क्वेश्चन चल रहा है अभी, ठीक है, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है आपका गेन को रिड्यूस करता है, ठीक है, और ये क्या होता है रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिस्टॉर्शन, यहाँ पे ये नहीं करता एक्चुअली, वो इम्प्रूव करता है, बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज होती है, बैंडविड्थ क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ डिक्रीज दिया होती है गलत होगा, तो आपका आंसर क्या होगा ए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना बच्चा, ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन आपका है, इन अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर इट इज डिजायरेबल टू, यानी अगर बोल रहे हैं कि ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए, आइडियली या प्रैक्टिकली जो भी बोलिए व्हाटएवर क्या होना चाहिए, तो आपको पता है यहां पर रेजिस्टेंस की बात चल रही है, यहां देखिए आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सब जगह दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको पता है कि आर इन क्या होता है आपका यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, आर आउट भी क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है, तो बोथ ही क्या होना चाहिए हाई होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ आंसर कौन जाएगा आपका, आपका आंसर रहेगा कौन सा जिसमें दोनों हाई होंगे, तो लार्ज इनपुट और आपका लार्ज आउटपुट, बाकी सब में क्या है इंटरचेंज कर रखा है, तो आपका आंसर जाएगा ए के साथ, ठीक है, ए जाएगा आपका। आगे बढ़े, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका क्या डिजिटल, आपका डिजिटल क्वेश्चन आ गया है, क्या दिया हुआ है इन विच ऑपरेशन कैरी इज ऑप्टेन, बहुत बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या होगा आपका सब्सट्रैक्शन की एडिशन, एडिशन में आपको कैरी मिलती है, सब्सट्रैक्शन में क्या मिलता है आपको बोरो मिलता है, बोरो आप लेते हो मतलब एक्चुअली, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर आपका जाएगा किसके साथ, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका बी आंसर होगा, ठीक है, आपका बी वाला आंसर राइट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ द हाफ एडर द कैरी इज गिवन बाय, आपको मैंने बताया है हाफ एडर के बारे में क्या होता है, अगर आपका हाफ एडर तो सम क्या होता है आपका सम होता है ए एक्स और बी, कैरी क्या होता है कैरी आपका होता है ए इंटू बी, तो आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा है कैरी, तो कैरी ए इंटू बी मतलब क्या हुआ ए एंड बी,
ठीक है, आपको ऑप्शन ऐसे भी दे देते हैं ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा सोचो। तो क्या वो कह रही है आपका, अगर सम होता क्या होता, सम के लिए आपका ए एक्स और बी, डी वाला होता तो आपके दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। सम क्या होगा, सम के लिए ए एक्स और बी, सॉरी सी वाला होगा ए एक्स और बी, और कैरी के लिए ए इन टू बी। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है द डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर। तो क्या दिया उन्होंने, देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए क्या बच्चा ना, कि थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि चीज़ें क्वेश्चन अच्छे हो जाए, आपका एक रिवीजन अच्छे से हो जाए पूरा, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या बचा हुआ है। ठीक है, रिवीजन भी जरूरी है ना थोड़ा बहुत, कि आप पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, मतलब क्या उस चीज़ का फिर। ठीक है, तो हाफ एडर में क्या होते हैं, टू इनपुट्स होते हैं, सही बात है। फुल में कितने होते हैं, चार, बिल्कुल नहीं होते हैं। हाफ एडर में वन होता है, ये नहीं होता है। फुल में दो होते हैं, ये भी नहीं होता है। हाफ में दो होते हैं, एकदम सही बात है। फुल में तीन होते हैं, सही बात है। तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके हाफ एडर एंड फुल एडर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जी बताइए, दिया हुआ है हाफ सब्सट्रैक्टर इज यूज टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ। बोल रहे हैं कि जो आपका हाफ सब्सट्रैक्टर होता है वो कितने बिट को सब्सट्रैक्ट करता है। तो आपको पता है कितने बिट का, टू बिट को, हाफ एडर हाफ सब्सट्रैक्टर। अगर आपका फुल होता क्या होता, तीन बिट। अगर आपका हाफ एडर है तो दो बिट, अगर फुल एडर है तो तीन बिट। ठीक है, आगे बढ़े। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आउटपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्सट्रैक्टर। ये बोल रहे हैं कि कितने आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है जब आपको एक सब्सट्रैक्टर अगर बनाना है तो। ठीक है, तो क्या होगा आपका, दो आउटपुट, कौन से, आपका डिफरेंस और बोरो। ठीक है, आपको डिफरेंस और बोरो चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, किसी सब्सट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यानी बना सकते हो। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। कोई बच्चे बोल रहे हैं, सोच रहे हो कि बहुत इजी क्वेश्चन सर हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं बच्चा, टफ नहीं होते हैं। सब्जेक्ट कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो सबको माइंड में रखना, प्लस आपका कम्युनिकेशन भी है, डीसीएन भी है, सी लैंग्वेज भी है, माइक्रोप्रोसेसर भी है, कई सारे टॉपिक भी बचे हुए हैं। तो सब जब आप कर लोगे उसके बाद आपका रहता है, तो कितना याद है कितना याद नहीं है वो डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ें। तो आपका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटेड कोड। आपका बाइनरी कोड से आ गया, बाइनरी कोड आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो बाइनरी कोड से क्या होगा, वेटेड कोड। आपको पता है मैंने वेटेड कोड क्या होता है, बाइनरी कोड्स को मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैं था नहीं तो वो चीज़ें आपको समझ नहीं आई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से उसको रिपीट कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, ओके। तो क्या होगा आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वेटेड। वेटेड मतलब क्या हुआ कि आपके उस प्लेस में सपोज आपका 12 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 2 इंटू 1 है, ये क्या है, 1 इंटू 10 है। तो ये क्या है, ये वेट ही तो है, उसके वेट से ये मल्टीप्लाई हो रखा है, उनके वेट से ये मल्टीप्लाई हो रखा है। तो आपका डेसिमल क्या होता है, वेटेड होता है। बाइनरी में आपका वेटेड होता है, एक्सेस 3 आपका वेटेड नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं आपकी, एक्सेस 3 जो आपका है ये नॉन वेटेड कोड है। आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा बी। ठीक है, आपका बी वाला आंसर राइट है, एक्सेस 3 कोड आपका क्या होता है, नॉन वेटेड कोड होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जी बताइए होगा आपको, इतना ही फास्ट रखना है पेपर में, याद रखिए पेपर में आपको इतना ही फास्ट करेंगे तभी आपको हो पाएगा, नहीं तो ऐसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, 48 सेकंड चाहिए आपको एक क्वेश्चन के लिए। जो आपका 50 मार्क्स है नॉन टेक वाला, वो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भाई आ रहा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो उसको आप ट्राई करना कि 120 मिनट आपको मिलते हैं अगर, तो आप 50 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में कर लेना आप। ठीक है, आपको बच्चे बोलेंगे सर अभी तो रिजल्ट नहीं आया, CBT 1 का तो कैसे बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो कैसे अटेंड करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए होगा, चलिए देखते हैं। ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्ट करना, अगर ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट दे रखा है, आपको ग्रे बताना है, तो आपको पता है ग्रे कैसे करते हैं आप, मैंने आपको बताया था 1011 है। क्या करो आप, इसको सीधे 1 लिख लो। अब इन दोनों का आप एक्स और ले लो, एक्स और इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। जब आप एक्स और लोगे तो एक्स और क्या होता है, जब डिफरेंट इनपुट होते हैं तो आपका आउटपुट 1 आता है, जब सेम इनपुट होता है आपका आउटपुट क्या आता है, 0 आता है।
डिफरेंट है तो कितना आएगा वन, फिर इनका करोगे क्या आएगा वन, फिर करोगे इनका तो क्या आएगा आपका जीरो। तो ये आपका तरीका होता है तेजी से करने का फटाक से, ठीक है। ये आप XOR करते हो सब में, ठीक है, XOR यहाँ भी XOR, यहाँ भी आपका XOR, तो वन फिर वन का जीरो वन, वन जीरो वन, वन 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 का जीरो, ये आपका आ गया ग्रे कोड। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर सी है, ठीक है। अब आपको उल्टा करना है तो सेम भैया आपका ये वन, आपने ये वन उतारा सीधे, फिर जो आपका वन आएगा इससे आप करोगे, फिर आपका जो आएगा इससे करोगे, फिर आपका जो आएगा इससे करोगे, आपका ग्रे, ये आपका जाएगा बाइनरी, आपका ये ग्रे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बीसीडी मैंने आपको बताया था तो कोर्स में थोड़ा दिक्कत बच्चों को हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको रिवीजन कर दूंगा आपको, आपको मैं फिर से एक बार थ्योरी पूरा बता दूंगा, ठीक है। आफ्टर जब आपका डिजिटल पूरा कंप्लीट रहेगा तो एक्शन रखेंगे हम कोर्स का फिर से दोबारा, ठीक है। तो क्या होगा बीसीडी आपका क्या जाएगा, आपको पता है बीसीडी क्या होता है, 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो आंसर क्या आपका 4 बिट, यानी कि आप हर एक बिट को 4 बिट लिखते हो। मान लीजिए अगर आपको वन लिखना है बीसीडी में तो क्या लिखते हैं आप 0001, ये आपका बीसीडी है, ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डेसिमल नंबर 10 रिप्रेजेंटेड इन बीसीडी फॉर्म एज, तो देखिए क्या है, अगर 10 को आप बाइनरी में लिखते हो, बाइनरी में तो आपको पता है बाइनरी में कैसे लिखते हैं आप 8421101010, आपका ये बाइनरी में हो गया, लेकिन आपको इसको लिखना किस में है, आपको लिखना है बीसीडी में। तो बीसीडी में लिखने के लिए क्या करते हैं आप हर एक बिट को, अगर आपका 1 है तो 1 को क्या लिखेंगे आप 0001, और आपका 0 है तो क्या लिखेंगे आप 0000। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0001000, आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा सी वाला, आपका आंसर राइट है, क्लियर है। तो आप बीसीडी जब बीसीडी आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आप हर एक बिट को अलग से 4 बिट में कन्वर्ट करते हो, डन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन भाई, ओके क्वेश्चन फिर से आपका वही रिपीट हो गया है, तो वही आपका आंसर है, आंसर क्या आएगा का सी वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलिए जी क्या होगा बताइए, आपका एम्पलीफायर टॉपिक में है ना, द टोटल गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज, यानी ये बोल रहे हैं कि जो आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है उसका गेन इंडिविजुअल से कम होता है, क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि लोडिंग इफेक्ट आपका होता है। ये आप लोडिंग इफेक्ट कहाँ पढ़ेंगे, आप यहाँ भी पढ़ेंगे एम्पलीफायर में, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से आप पढ़ेंगे कहाँ पे, मेजरमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है आपका लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या होगा, चलिए डीबी में है तो आपको मैं बताया डीबी में जो होता है क्या करते हैं आप, डीबी मतलब लॉग में है, अगर पावर है तो क्या लगते हैं आप 10 log में पावर को, पी नॉट बाई पी इन, अगर आपका वोल्टेज में है तो क्या लिखते हैं आप वोल्टेज में 20 log वी नॉट अपॉन में वी इन, अगर आपका करंट है तो क्या लिखेंगे आप 20 log आई नॉट अपॉन में आई इन, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है लिखने का, बात समझ में आई, तो 10 log पी नॉट बाई पी इन, और आपको पता है लॉग में जब मल्टीप्लाई करते हो, मल्टी से क्या होता है आप मल्टीप्लीकेशन, यानी कास्केड जब होता है तो मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन मल्टीप्लाई जब आप लॉग लेते हो तो क्या होता है वो ऐड हो जाता है, मीन्स एडिशन स्टार्ट हो जाता है, तो एडिशन करोगे आप इसका, जब एडिशन करोगे तो क्या आंसर आपका आएगा, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 12, 5 और 10 कितना हो गया 27, यानी कि आपका 27 राइट आंसर है, ठीक है। 10, 5, 15 प्लस 12 कितना हुआ 27। आगे बढ़े, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उनको? जी 3dB, क्या बोलते हैं आप इसको? 3dB बोलते हैं ना। चलिए जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड, जो 3dB था आपका। अब 3dB में क्या बोल देंगे आपको? हाफ पावर, सॉरी क्या होगा आपका? हाफ पावर। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं कि नाम चेंज कर करके वो पूछते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हो, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि हाफ पावर क्या होता है आपका, चाहे आप 3D बोलिए चाहे हाफ पावर बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आगे चलें। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही एकदम प्यार से करेंगे हम, तो ये आपको मैंने एक दे दिया है आइडिया कि हाँ हम लास्ट जब मोमेंट आपका पेपर आएगा तो हम ऐसे ही एकदम रैपिड फायर राउंड करेंगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जेई एग्जाम है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जेई में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, अगर आपको आ रहा है नहीं आएगा तो आप छोड़ दो, सिंपल सी बात है। ये थोड़ी कि हमारा कि आपको वहाँ पर लड़ना है उससे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन आप देख लो उतना ही अच्छा है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं सीधे आप करने वाले। ठीक है, अगर आप 100 में से 80 मार्क्स भी कर लेते हो टेक्निकल में तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी आपका नॉन टेक तो बचा ही है ना 30 नंबर, अगर आप 100 प्लस रहते हो तो आप सेफ हो, ये 100 तो मान चलो आपका 90-100 तो कट ऑफ रहेगा ही रहेगा कम से कम। ठीक है, तो आपका इम्पिडेंस मैचिंग करते हो आप किस लिए करते हो, आपको पता है किस लिए? सॉरी, किस लिए करते हैं आप? टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, यानी कि आप क्या चाहते हो कि आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए, इसलिए आप क्या करते हो? इम्पिडेंस मैचिंग। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, UJT क्या बोलते हो आप? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बोलते हो UJT को, और आप क्या बोलते हो? डबल बेस, याद है ना कि भूल गए? कैसा होता है UJT आपका? कुछ ऐसा होता है ना, ये आपका बेस B1 B2, अच्छा ये B2 होता है, ये आपका B1 होता है, कोई भी रख लिया वाटर कोई दिक्कत नहीं, आपका ये एमीटर होता है, यानी कि आपका एक एमीटर दो बेस होता है, और आपका क्या होता है? ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है, तो क्या होता है आपका? ये डबल बेस्ड बोला बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिटवीन द पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट, तो कैरेक्टरिस्टिक होती है आपको पता है, आपने देखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा आपका होता है ना, ये आपका पीक हो गया, ये आपका वैली हो गया, ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं आप? नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशियंट। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है ना, ये कैसे करता है क्यों करता है आपको मैंने बताया डिटेल में पूरा अच्छे से वर्किंग के साथ, तो क्या होगा आपका? नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। क्लियर है, चलिए जी आगे बढ़े। चलिए, तो आप लोग को लग रहा है ना आइडिया कि हाँ कितने क्वेश्चन आपको याद है कितने क्वेश्चन आपको याद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एक लेवल तक आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आपको कितनी मेहनत और करनी है। ठीक है बच्चा, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज ऑफ, किसका होता है? डायरेक्ट का। आपको पता है RC क्या करता है? ये DC को ब्लॉक करेगा, DC ब्लॉक करता है ना, ये क्या होगा? ये भी DC ब्लॉक करेगा, भाई कैपेसिटर जो होता है वो DC ब्लॉक करता है, AC को पास करता है, आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, दोनों ही DC ब्लॉक करते हैं। DC ब्लॉक मतलब क्या हुआ? आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है, इट मीन्स जो लोअर फ्रिक्वेंसीज होंगी उनके लिए ये दोनों क्या होंगे? एकदम बेकार होंगे, किसी काम के नहीं होंगे। भाई जब DC ब्लॉक कर रहा है ये, तो ऑब्वियस बात है जो लोअर फ्रिक्वेंसीज होंगी इनके लिए किसी काम का नहीं होगा। तो डायरेक्ट कपल जो होता है आपका, देखिए आपका कुछ ऐसा बनता है, किसका? RC कपल का। और जो आपका डायरेक्ट कपल होता है वो कैसा बनता है आपका? डायरेक्ट कपल का आपका कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट कपल जो होता है वो DC को भी एम्पलीफाई कर देता है। गॉट इट, समझाया? DC को एम्पलीफाई मतलब ये नहीं कि बच्चा कि जीरो फ्रिक्वेंसी, अब जीरो फ्रिक्वेंसी जीरो ही रहेगा ना, कहने मतलब ये है कि जीरो फ्रिक्वेंसी रियल लाइफ में कुछ पॉसिबल नहीं है,
तो 1, 2, 3, 4, 5 किलोहर्ट्ज़ कुछ भी हर्ट्ज़ में होगा जो भी, तो वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। कहने मतलब ये डीसी मतलब ये जीरो तो आप पॉसिबल नहीं है ना रियल लाइफ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बच्चे गलती करते हैं इसमें जल्दबाजी में, क्या गलती करते हैं वो देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि फॉर अ पी चैनल एफईटी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। पी चैनल आपका एफईटी है तो आपको पता है कि पी चैनल अगर है, ये आपका पी हो गया पी चैनल, तो आपका एन यहाँ पे होगा, आपका एन यहाँ पे होगा। अगर आप देखो एन चैनल तो क्या होगा, आपके एन चैनल में आपका पी यहाँ पे होगा और आपका पी यहाँ पे होगा और आपका एन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपका ड्रेन है, ये आपका सोर्स है, ये आपका गेट है। सिमिलरली यहाँ पे ड्रेन, यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे गेट। अब यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होंगे, होल होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चैनल मतलब क्या होता है, जहाँ से आपका जो भी कैरियर है चाहे वो होल चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, जहाँ से वो पास कर रहा है उसको आप बोलते हैं चैनल। अब इस होल को खींचना है अगर आपको, तो यहाँ पे प्लस करोगे आप, यहाँ पे इसको माइनस करोगे आप। और आपको ये भी पता है जो करंट की डायरेक्शन होती है वही होल की डायरेक्शन होती है, तो करंट कैसा मूव करेगा आपका, आई इधर ही जाएगा ना ऊपर की ओर। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा, सो सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा आपका, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, यहाँ आपका नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो जो करंट होगी आपकी, यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ से अगर देखो आप तो ये कुछ ऐसा शो करेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, सोर्स टू ड्रेन, सोर्स टू ड्रेन जाएगा आपका, सोर्स से ड्रेन में। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो कुछ आपका ऐसा शो होगा ना, तो ड्रेन टू सोर्स, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा आपका, सोर्स टू ड्रेन सही है, ये क्या होगा आपका, हाँ सही बात है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आएगा तो आपका करंट ऐसे आएगा ना, तो ड्रेन टू सोर्स, याद रखिए दोनों बातें, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभी आप कन्फ्यूज हो जाते हो, जैसे मैं अभी कन्फ्यूज हो गया है। चलिए ठीक है, तो क्या आपका सोर्स टू ड्रेन आपका क्या होगा, ये आपका आंसर राइट है, सोर्स टू ड्रेन आपका करंट फ्लो होगा। अगर आपका यहीं पे एन चैनल तो क्या होता है आपका ड्रेन टू सोर्स, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा बैक टू बायस, यानी कि ये आपका हमेशा रिवर्स बायस में होता है। फिर आपका जो एन चैनल होता है वो कैसा होता है, आपका एन चैनल में आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो एन होता है आपका, और आप डोपिंग करते हो किसकी, पी की, एन चैनल में। वैसे आपका पी चैनल क्या होता है, आपका एन डोपिंग होती है वगैरह जो भी है। फिर इसका इक्वेशन होता है, सॉकले इक्वेशन आपको पता ही है, क्या होता है आपका आई डी एस इक्वल टू क्या होता है आपका आई डी एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस वी जी एस अपॉन में वी पी का स्क्वायर, ये सॉकले इक्वेशन होता है आपको पता ही है। तो कई सारी बातें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। चलिए क्या बोल रहे हैं, द एक्शन ऑफ जेफेट इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्विच ऑफ एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा तो जेफेट है तो आपको पता है कि वोल्टेज कंट्रोल होता है, वोल्टेज के द्वारा इसको आप कंट्रोल करते हो, और किसको करते हो आप, करंट सोर्स को। तो क्या होता है आपका, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। कोई दिक्कत है तक बच्चा, चलिए तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर है सी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए।
तो क्या होगा आंसर इसका, फटाफट बताइए। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा कितना, देखिए क्या बोला उन्होंने कि फॉर एन एन चैनल एफ ई टी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वी जी एस फॉर विच द करंट बिकम जीरो। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी सॉकले इक्वेशन आई डी एस इक्वल टू क्या होता है, आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस अपॉन में वी पी का स्क्वायर। अगर आपका वी जी एस वी पी के बराबर हो गया तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी पूरी वैल्यू हो जाएगी कितनी, वन। जब वन हो जाएगी तो क्या होगा, वन माइनस वन कितना रहेगा, जीरो। तो आपको आई डी एस कितना मिल जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको मालूम चला, आपको ये मालूम चला कि जो वी जी एस होता है वो वी पी के बराबर अगर होगा तो आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत आता बच्चा? तो ऐसे ही रैपिड फायर राउंड हम बीच में लाते रहेंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से रिवाइज होता रहे और काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर होते रहें। और जो आपका सिलेबस चल रहा था, वो सिलेबस क्या चल रहा था आपका, एक मिनट चाहिए बच्चा। चलिए, तो आपका सिलेबस चल रहा था डिजिटल, ठीक है, तो डिजिटल को हम प्रॉपर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में जो हमारा जो टॉपिक चलेगा वहाँ चलेगा क्या, के मैप। फिर हम कोशिश करेंगे कि आपका मक्स, डी मक्स, इनकोडर और आपका डिकोडर ये पूरा कंप्लीट कर दें उसी टाइम पे, ठीक है। तो ताकि आपका जल्दी से जितना हो सके डिजिटल जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट फर्दर जो क्लासेस चलेंगी वो चलती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में के मैप मक्स डी मक्स इनकोडर के साथ, और इन्जॉय करेंगे, मौज करेंगे, मौज मारेंगे, ठीक है। टेंशन मतलब आप सिलेबस की, सिलेबस टाइम पे ख़त्म होगा, और जिनको प्लस चाहिए वो प्लस ले सकते हैं, आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।